क्या माँ वो होती है जो अपनी कोख से बच्चों को पैदा कर पाल पोस के बड़ा करती है और अपने बच्चों के लिए सपने संजो के रखती है, या फिर माँ वो होती है जो अपने बच्चों को जन्म देकर उससे उंगली पकड़कर चलना सिखाकर बड़ा करके चंद रुपयों की खातिर लोगों से उसके सौदे करती है। सौदेबाजी को देखकर तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि माँ की ममता तो खत्म ही हो गई। जी हाँ, रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना एक बार फिर सुर्खियों में आई है, जहाँ 15 साल की बच्चे से उसका सगा नाना ही दुष्कर्म करता था और उसकी माँ रुपयों के लालच में उसे दूसरों के सामने परोसने का काम करती है। मामला एक महीने पहले महिला थाना पुलिस ने दर्ज किया था, जिसमें पुलिस ने पीड़िता के नाना, माँ सहित चार लोगों पर दुष्कर्म व शोषण करने का मामला दर्ज किया था। नाबालिग पीड़िता ने बताया कि उसका सगा नाना उसके साथ पिछले 5 वर्षों से दुष्कर्म कर रहा है, साथ ही नाना का दोस्त भी उसे अपनी हवस का शिकार बना चुका है। यही नहीं, पीड़िता की सगी माँ भी रुपयों के लालच में ग्राहकों के सामने पेश कर जेब गरम करती है। मामला दर्ज होने के बाद से ही माँ और नाना पीड़िता पर दबाव बना रहे हैं। दबाव बनाने को ही लेकर आज पीड़िता की माँ ने उसे मुंह से काट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में पिता ने उसे ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया है, जहाँ चिकित्सक उसका उपचार कर रहे हैं। पीड़िता और उसके पिता ने बताया कि आरोपी माँ उन पर दबाव बनाकर मामला वापस करने को कह रही है, मामला वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर महफूज रहना मुमकिन नहीं है। अब देखना होगा कि पीड़िता को न्याय मिलता है या उसे अपनों की भूख का शिकार होना पड़ेगा। क्या मामला है? अपने नाना के पास रहता था, हमारे नाना ऐसे गलत काम करवाते थे और हमारी मम्मी शामिल थी उसमें, हमारी मम्मी भी गलत काम करवाती थी और हमसे अभी कहती है कि तू केस वापस ले, नहीं तो तुम सबको जान से मार दूंगी। अब क्या किया तुम्हारे साथ? जख्मी कर बटके खा गई जी। कितने सालों से कर रहे थे यहाँ पे? 4-5 सालों से। कितने लोग भी आते थे आपके पास? ये कई लोग थे सर। तुम्हारी माँ लाके आती थी? माँ और नाना दोनों मिलके आते थे जी। कैसे क्या हुआ अभी? सवेरे मैं गया था काम पे और पीछे से मेरी घरवाली आकर मेरे बच्चों को मार के चली गई। क्या कैसे मारा उसने? फटके भरे हैं और हाथापाई भी करी है। लड़की के साथ? लड़की के साथ, तीनों लड़कियों के साथ। अब क्या कहते हैं, क्यों क्या? वो जी मुझे धमकी दे रहे हैं और मोबाइल पे तो देते नहीं है। हाँ। और वैसे ही दे रहे हैं कि भाई या तो हम तो आपको मरवा देंगे या तो आप बयान वापस लो। किस कैसा बयान? ये नाने का, जो नाने के ऊपर लड़की ने इल्जाम लगाया है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम करता था। उसकी माँ भी उसमें शामिल थी? उसकी माँ भी शामिल है। तो अब कौन कौन लोग है धमकी देने वालों में? धमकी देने वाले जी इसकी माँ है और इसका नाना है, दोनों लोग हैं। हाँ जी। कितने बच्चे आपके? मेरे पास 4 बच्चे हैं। चारों लड़कियाँ हैं? हाँ जी, चारों लड़कियाँ। आपके 3 लड़कियाँ? एक लड़का है। अच्छा, सभी को अभी मारपीट करेगी? आपके घर आके मारपीट? हाँ जी। और मैं तो रहता हूँ बाहर, जा काम धंधे पे जाता हूँ, ताजा कमाना और मुझे ताजा खाना है। तो आपके पीछे से आई थी वो? हाँ जी, हमारे पीछे से आई है। कितने? परसों भी आई थी, 2 दिन पहले भी। वो भी जब इनको धमकी दे करके चली गई और फिर इनको मारने की कोशिश करी लेकिन बस नहीं चला उसका। कितने सालों से आप अलग रह रहे हो? मेरे को जी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ जी। ये लड़की नाना के पास कितने साल से रह रही थी? ये 8 साल से रह रही है क्योंकि मुझे इनके नाना ने और मेरे सालों ने और मुझे बहुत दुखी कर रखा था। जो मुझे मेरी 94 में शादी हुई थी और जब से मतलब मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है।